हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये जो आप देख रहे हो एलईडी है, तो ये एलईडी का ड्राइवर बनाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये मैंने सर्किट बनाया है। तो ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो एलईडी है एलईडी का ड्राइवर बनाएंगे। तो ड्राइवर फ्रेंड्स हमारा क्या करेगा कि जो इनपुट आएगा, इनपुट में फ्रेंड्स अगर वोल्टेज वैरी हो रही है, यानी कि 12 वोल्ट, 13, 15, 14, तो फ्रेंड्स ये एलईडी क्या होगी कि जैसे ही 15 वोल्ट आएगी तो 15 वोल्ट से एम्पियर हाई एम्पियर लेगी, और हाई एम्पियर लेने के बाद में ज़्यादा हीट अप करके ख़राब हो जाएगी, और कुछ केसों में तो फ्रेंड्स ये तुरंत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर एलईडी जो है ये इनकी वोल्टेज फिक्स होती है, यानी कि यहाँ पर ये 3 एलईडी है तो ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। तो 12 से 13 ऊपर 13 वोल्ट है तो वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 14 या 15 वोल्टेज पे अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हीट अप करके ख़राब हो जाएगी या तुरंत भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर ये जो SMD वाली ये एलईडी है ये ख़राब हो जाएंगी और इससे हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो ड्राइवर है वो अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो उससे हम उसको कंट्रोल करेंगे एम्पियर को, और वोल्टेज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे फ्रेंड्स हमारा बेनिफिट ये होगा कि जो एलईडी है ये लॉन्ग लाइफ चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और यहाँ पर इनपुट जो भी आएगा हमें, हमारी जो एलईडी है वो बिल्कुल सेफ रहेगी और कोई भी खराबी उसमें नहीं आएगी। ये सर्किट है वो आज हम बनाने वाले हैं। तो जो सर्किट है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो फ्रेंड्स जो कंपोनेंट है बहुत ही कम है। तो कंपोनेंट फ्रेंड्स जो जो यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल, और यहाँ पर ये जो सर्किट है उसकी भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक ये कंपरेटर होता है LM358। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई सा भी कंपरेटर आप ले सकते हो, सिंगल वाला, ये डुअल है, यानी कि यहाँ पर दो कंपरेटर होते हैं इस IC में। आप सिंगल वाला भी ले सकते हो क्योंकि हमें फ्रेंड्स एक ही कंपरेटर की ज़रूरत है। तो सिंगल में फ्रेंड्स LM741 आता है तो वो आप ले सकते हो, इससे सस्ता भी होता है तो आप वो भी ले सकते हो, वो IC है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक VOUT, ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ये 7805 की जो IC होती है फ्रेंड्स वो हमने यहाँ पर यूज़ में ली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7805 है वो IC, यानी कि रेगुलेटर IC होती है, तो वो हमने यूज़ में ली है। और इसके बाद में यहाँ पर ये एक प्रीसेट लिया है, तो यहाँ पर मैंने 10K का प्रीसेट लिया है, और यहाँ पर ये एक LED और रजिस्टर लगा के हमने इस सीरीज़ में लगाया है। तो ये LED और 1K का रजिस्टर इसलिए लगाया है कि जैसे हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो हमें पता रहेगा कि इनपुट हमारा आ चुका है, LED ग्लो कर जाएगी, तो इससे हमें पता रहेगा कि हमारा जो सर्किट है उसमें करंट है वो आ गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये LM358 है, ये IC कैसे काम करती है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। पुरानी जो वीडियो हैं उनमें मैंने इसके बारे में पूरा प्रॉपर बताया है कि ये कैसे काम करती है, तो आप वो वीडियो पे जाकर देख सकते हो। तो वो वीडियो की लिंक फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक हमने MOSFET लिया है, और 7805 ही रेगुलेटर IC ली है, बाकी एक रजिस्टर है और एक 10K का प्रीसेट है। अगर ये आप ऑप्शनल है, ये आप लगाओ या ना लगाओ ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर एक रजिस्टर और है, ये आप देख सकते हो 3 वाट में, अगर आपके पास 0.25 ओम का मिल जाए या 0.80 ओम का मिल जाए या 1 ओम का मिल जाए, लेकिन आप वाट आप देख लीजिए 3 वाट का या 5 वाट का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर वाट ज़्यादा होनी चाहिए और 1 ओम से कम कम का होना चाहिए, 1 ओम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक रजिस्टर है ये लगेगा, ये लोड रजिस्टर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें यहाँ पर फीडबैक मिलेगा हमारे इस IC को। और इसके बाद में ये जो MOSFET है, आप कोई सा भी MOSFET ले सकते हो, आप थोड़ा लोड के हिसाब से आप लीजिए यहाँ पर लोड, जैसे आप P55 करके आता है वो भी ले सकते हो, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा, यानी कि 50 से 55 एम्पियर आसपास वो रहता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इस सर्किट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये और ये 2 पॉइंट है, ये हमारे आउटपुट के हैं। ये जो पिन नंबर 1 से 330 ओम का एक रजिस्टर लगा के गेट पे गए हैं, यानी कि साफ़ है कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा ये IC का। और ये यहाँ पर 2 और 3 है, ये कंपेरेटर के कंपेयर करने के लिए होती हैं, तो यहाँ पर ये हमने ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ हमने इसको VOUT यानी कि पॉजिटिव सिग्नल दिया है। तो इससे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आउटपुट रहेगा वो कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होकर फ्रेंड्स यहाँ पर गेट को कंट्रोल करेगा, और जैसे ही गेट कंट्रोल होगा तो हमारा आउटपुट है उसी हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सर्किट है वो मैंने बना के रेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी तो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हम इसको एक ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे, ब्रेडबोर्ड पे बना के वो हम टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये मैंने लाइव मैंने बनाया था, तो वहाँ आप जाके, लाइव वीडियो है मेरी उसमें आप जाके देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे बनाया था। थोड़ी वो लॉन्ग है, लंबी है, तो इसलिए मैंने लाइव ही मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये मैंने सर्किट बना के रेडी किया है, तो पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर ये LED है, मैं ये ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा आउटपुट का है और यहाँ इनपुट का है। इनपुट के लिए मैं मेरी पावर सप्लाई यूज़ में ले रहा हूँ, और यहाँ पर एम्पियर भी शो हो, तो क्योंकि एम्पियर यहाँ पर कंट्रोल होगा, तो एम्पियर के लिए मैं थोड़ा सा सिस्टम बनाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पर एम्पियर शो होता है, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग
में वो नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं एक एम्पियर का ये है, तो एम्पियर के लिए मैं मीटर यहाँ पर सेट कर देता हूँ इसमें, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेटअप कर दिया है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ पर हमारी वोल्टेज शो हो रही है, यहाँ आप देख सकते हो 13.7 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर मैंने इसको एम्पियर पे सेट कर दिया है, एम्पियर को सीरीज में लगा दिया है, तो ये वायर है इसमें मैंने सीरीज में हमारा एम्पियर सेट कर दिया है। और अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और अब फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो इसको एलईडी को हम लगाते हैं। एलईडी को लगाने के लिए मैं एक क्लिप ले रहा हूँ यूज़ में, तो यहाँ पर ये मैंने क्लिप ले लिया, और अब हमारा ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा ये ब्राउन है, इसको हम पॉजिटिव में लगा देते हैं एलईडी के। और यहाँ यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो लाइट है 1.5 एम्पियर तक ले जाती है, यानी कि ये कंज्यूम करती है 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर यहाँ पर कंज्यूम होता है इसमें, लेकिन वो बिल्कुल हाई एम्पियर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे एम्पियर को, जिससे हमारी ये जो लाइट है वो ख़राब ना हो। तो एक बार इसको चलाते हैं फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ आप फ्रेंड्स एम्पियर आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने 0.94 यहाँ पर एम्पियर है उसको सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो लाइट है बहुत अच्छी ब्राइट हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो कैमरे के लिए मैंने साइड में जो रिंग लाइट है वो लगा रखी है, इसकी वजह से इसकी प्रॉपर यहाँ पर लाइटिंग शो नहीं हो पा रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी ब्राइट है। और अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर रेगुलेट करेंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हो वोल्ट हमारा यहाँ पर 13.5 है, और यहाँ पर एम्पियर इतना ही है। अब पहले तो फ्रेंड्स ये इतने पे ही मैं एक बार वोल्ट को यहाँ पर वेरी करके देखता हूँ कि एम्पियर यहाँ पर चेंज होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्ट को मैं पहले बढ़ा देता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो वोल्ट हमारा 14 हो गया, और यहाँ आप देख सकते हो 15 वोल्ट हो गया, 15.3 हो गया, लेकिन लेकिन एम्पियर है वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पर मैं वोल्टेज को डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो एम्पियर फिर भी बिल्कुल वहीं की वहीं बना हुआ है, चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जितना एम्पियर सेट किया है उतना ही एम्पियर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। और ये आप देख सकते हो 11 पे भी लिया है तो हमारा एम्पियर है वो उतना ही है, 10 पे भी लेके आऊँगा तो हमारा एम्पियर थोड़ा अब डाउन होने लगे, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एम्पियर भी डाउन हो गया है, लेकिन हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप देख सकते हो। तो ये 12 वोल्ट के लिए फ्रेंड्स मैंने बनाया है, तो 12 वोल्ट पे यहाँ पे जो बैटरी होती है, बैटरी से हम हमारे हिसाब से इसको एम्पियर को सेट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो बैटरी है वो भी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमें बैटरी को थोड़ी रोशनी में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलाना होता है, तो वो काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स एक बार एम्पियर को यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, और एम्पियर को चेंज करने के लिए यहाँ पर ये जो मैंने रजिस्टर लगाया है इसको हम वेरी करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो एम्पियर है वो डाउन हो गया है, यहाँ आप देख सकते हो जैसे एम्पियर डाउन होगा तो हमारी जो लाइट की ब्राइटनेस है वो भी कम होती जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर जैसे मैंने 0.33 यहाँ पर ये सेट कर दिया है, तो अगर हम इसको वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो भी फ्रेंड्स ये इतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, घट सकता है फ्रेंड्स जब वोल्टेज डाउन रहेगी तो घटेगा, नहीं तो ये बढ़ा इतना ही रहेगा, ये फिक्स हो जाएगा, इसका एम्पियर है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स जो हमारी लाइट है एलईडी है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, फिक्स एम्पियर पर ये चलेगी। तो अगर हाई वोल्टेज यहाँ पर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एम्पियर की वजह से डाउन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एम्पियर है, एम्पियर अगर हमारा सेट किया हुआ है तो वोल्टेज कितना भी ज़्यादा हो जाए वो उसकी वजह से हमारी जो लाइट है वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा सर्किट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं अभी इसको बिल्कुल और यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत कम एम्पियर मैंने कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अब बढ़ा के देखते हैं कि यहाँ पर ये फुल में कितनी एम्पियर कंज्यूम करती है हमारी लाइट है जो, तो यहाँ पर ये 1 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर से 1.2, 1.25, 1.25 फ्रेंड्स इसका हाई एम्पियर है इस टाइम पे ये ले रही है, ये और बढ़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैं इसको वोल्टेज ज़्यादा दूंगा। तो एक बार थोड़ा वोल्टेज भी मैं बढ़ा देता हूँ, तो जैसे वोल्टेज बढ़ाया आप देख लो 1.4 आ गया है, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं हाई एम्पियर करके रखूँगा इसको, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये एम्पियर ज़्यादा लेगी, और हमारी जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि उसका जो बैकअप है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 1 एम्पियर अगर हम सेट कर देते हैं तो उसका जो बैटरी का बैकअप होता है, 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसका बैकअप होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर जैसे हम इसको 0.54 जो है इस पे अगर हम सेट करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर 7 AH की बैटरी या 10 AMH की बैटरी है तो बहुत उसकी डबल टाइमिंग हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि एम्पियर कम कर दिया तो ये कंज्यूम कम करेगा करंट बैटरी से,
तो यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो सर्किट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स इसको एक बार ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं कि कैसे बनाया, और वहाँ पर मैं एक बार टेस्टिंग करूँगा दोबारा आपको थोड़ी सी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो सर्किट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर एम्पियर को हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो जिससे हमारी लाइट है वो ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स एक बार ब्रेडबोर्ड पर अब इसको बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये 7805 ये रेगुलर आईसी है। इसके बाद में फ्रेंड्स पैन के का मेरे पास ख़त्म हो गया है, मैंने ले लिया यूज़ में, तो इसलिए फ्रेंड्स ये 102 का है, यानी कि 1 किलो ओम का रजिस्टर है वो लिया है। तो आप 5K भी ले सकते हो, 10K, 1K का मैं यहाँ पर अभी नहीं है इसलिए ले रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है तो इसलिए। बाकी का फ्रेंड्स यहाँ पर 330 ओम का ही रजिस्टर है, ये ले लिया है। और ये हमारी LM358 IC है, और यहाँ पर ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ग्राउंड किया है, यहाँ पर ग्राउंड गेट है, गेट से ग्राउंड कर दिया है 1 मेगा ओम का, तो इसलिए यहाँ पर 4 नंबर पिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो वो हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। और इसके बाद में यहाँ मैंने Z44 ये मोसफिट लिया है, और यहाँ पर 1 मेगा ये 1 ओम का 3 वाट, ये 2 वाट या 3 वाट में आप ले सकते हो, मैंने ये लिया है। तो यहाँ पर बस इतने ही कंपोनेंट की नीड है, तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट की मदद से आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ब्रेडबोर्ड है, यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी आईसी है उसको हमारे ब्रेडबोर्ड पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं हमारी जो आईसी है हमने ब्रेडबोर्ड पे लगा दी है, और इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी है वो भी हम यहाँ लगाते हैं। तो ये हमारी रेगुलेटर आईसी हम यहाँ लगा देते हैं सेंटर में, और यहाँ थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, और यहाँ पर हमारा प्रीसेट जो होता है वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं, इजी पड़ेगा मेरे को। तो हमने ये लगा दिया, और जो हमारा मॉस्फेट है वो हमने लास्ट में यहाँ लगा देना है। इसके बाद में ये रजिस्टर्स लगाने हैं, और हमारा जो सर्किट है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ, और इसका जो सोर्स है, तो फ्रेंड्स इसका जो पिनआउट है आपको पता होगा Z44 का, फर्स्ट है जो गेट है, सेकंड ड्रेन है, और थर्ड नंबर है वो सोर्स है। तो सोर्स से फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये हमारा 1 ओम का रजिस्टर लगेगा। तो यहाँ पर ये सोर्स से, ये बैक साइड में भी फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव है, तो हम बैक साइड से हम नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पर। ये मेरा ब्रेडबोर्ड नया है तो इसलिए थोड़ा टाइटली लग रहे हैं सारी चीज़। तो यहाँ हमने ये रजिस्टर लगा दिया है, और यहाँ पर ये जो गेट है, गेट से ये 330 ओम का रजिस्टर है वो 1 नंबर पिन है उस पर जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर पिन ये है, तो यहाँ से सीधा मैं इसकी 1st नंबर पिन पे यहाँ पर आप देख सकते हो 330 ओम का ये रजिस्टर ये लगा दिया है। 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो हमारा सीधा जाएगा आप देख सकते हो गेट से ग्राउंड। तो यहाँ पर बैक साइड से हम ले लेते हैं, बैक साइड से गेट से ग्राउंड एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा दिया ये आप देख सकते हो। और अब हमारा कंपोनेंट के जो रिक्वायरमेंट है वो तो ख़त्म हो गई, कंपोनेंट तो सारे हमने लगा दिए, अब इनके कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शंस के लिए यहाँ पर कुछ मैं ये आप देख सकते हो कनेक्टर्स हैं छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, तो ये हम यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो ये जो हमारी आईसी है इसको ग्राउंड से और पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर पिन है वो हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ से हमारा ये जो लाइन है ये हमने पॉजिटिव दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो वायर से हमने इसको भी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 नंबर पिन को हम पॉजिटिव पे लगा देंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्शन हो गया। 4 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये हमारा यहाँ से लेंगे, तो ग्राउंड हम यहाँ से ले लेते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कहीं से भी। यहाँ मैंने ग्राउंड यहाँ दे दिया, अभी आईसी का कनेक्शन भी हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7805 IC है, इसका जो सेंटर है, सेंटर वाली पिन है वो ग्राउंड है, तो हम इसको ग्राउंड से बैक साइड से लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको शो हो रहा हो प्रॉपर, उसके लिए मैं यहाँ आप देख सकते हो सेंटर पिन से ये ख़राब है हमारा, यहाँ से ले लेते हैं, सही से नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये, तो ये सेंटर पिन से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ग्राउंड दे दिया है। 1st नंबर पिन इसकी इनपुट है, तो इसमें हमें पॉजिटिव देना है, तो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये 1st नंबर पिन पे हम इसको पॉजिटिव दे देते हैं। तो हमने फ्रेंड्स पॉजिटिव दे दिया, ग्राउंड दे दिया, अब यहाँ पर आउटपुट निकलेगा। आउटपुट अगर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट मैंने मीटर सेट किया है ग्राउंड पे लेके। अब हमारा जो आउटपुट है यहाँ हम चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो 5 वोल्ट 5.11 यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। अब ये जो 5 वोल्ट है उसको हमें यहाँ पर ये आप देख सकते हो प्री सेट है, यहाँ पर प्री सेट के सेंटर में लगाना है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो
तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पिन, यहाँ पर कोई सी एक पिन लेके इस पर 5 वोल्ट देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो आउटपुट पिन है इसको मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो आउटपुट को मैंने एक पिन यहाँ पर लगा दिया, और इसकी जो सेंटर पिन है, सेंटर पिन जो जाएगी हमारी 3 नंबर पे जाएगी। तो जो सेंटर पिन है उसके लिए यहाँ से मैं एक और वायर लेता हूँ, और सेंटर पिन से और इसके 3 नंबर पे हम लगा देते हैं। और फ्रेंड्स इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इधर उधर तार या जो वायर है वो टच हो गया तो हमारी आईसी वगैरह या फिर रेगुलेटर कुछ भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने पावर के हटा दिए हैं। तो अब ये सेंटर पिन है यहाँ पर, ये सेंटर पिन यहाँ पर 3 नंबर पिन है हमारी आईसी के, इस पे लगा दिया है और यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया है। अब इसकी एक पिन और बची हुई है, वो पिन फ्रेंड्स हमें ग्राउंड करनी है। आप देख सकते हो वो पिन है हमें ग्राउंड करनी है। अब ये ग्राउंड के लिए फ्रेंड्स मैं ये बैक साइड से दे रहा हूँ यहाँ पर ग्राउंड, तो आगे से लूँगा तो वायर यहाँ पर रहेगा तो शो होगा, तो सही से हमारा प्रॉब्लम करेगा दिखने में। और तो इसलिए हम इसको बैक साइड से, ये जो वायर है हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो बैक साइड से ले लिया और मैंने ग्राउंड इसको कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको वेरी करेंगे तो ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर पे हमारी जो वोल्टेज है वो वेरी होकर आएगी। 5 वोल्ट यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, अब 5 वोल्ट से हमारी जो वोल्टेज है रेगुलेट होकर के यहाँ पर आएगी, और वो जो वोल्टेज आएगी वो फिक्स वोल्टेज रहेगी। तो 3 नंबर पे हमें एक रेगुलेटर वोल्टेज है वो देंगे, तो वो कंपेयर करेगा कंपेरेटर जो है, वो कंपेरेटर करके कंपेरेटर जो है वो वोल्टेज को कंपेयर करेगा, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 1 नंबर पिन से निकलेगा और हमारी गेट है वो गेट को कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें बस ओनली आउटपुट की पिन है वो निकालनी है, और एक यहाँ पर फीडबैक के लिए 2 नंबर पे हमें एक ये देना है। तो 2 नंबर पे एक फीडबैक के लिए हमें यहाँ पर ये रजिस्टर है और ये जो सोर्स है यहाँ पर देना है, यानी कि सोर्स पे हमें देना है, और ये हमारा 2 नंबर पिन हो गया। तो 2 नंबर से सोर्स पे हमने एक फीडबैक के लिए ले लिया है, यहाँ पर सोर्स पे से यहाँ पर से हमने ये फीडबैक की है पिन। तो यहाँ आप देख सकते हो अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, और अब हमें यहाँ पर आउटपुट के लिए यहाँ ड्रेन से आउटपुट के लिए मैं एक पिन लेकर आऊँ यहाँ पर, और एक पॉजिटिव की पिन हमारी यहाँ आ जाएगी। इसके साइड वाली पिन मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, तो पॉजिटिव के लिए थोड़ा मैं यहाँ पर ही कर दिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा आउट आएगा आउटपुट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पावर है वो दे रहा हूँ। अब पावर देने के बाद में यहाँ पर जो सर्किट है चालू है, रेडी है। अब इसको एक बार चेक करते हैं एलईडी पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये क्लिप लगा दी है हमारे आउटपुट के लिए, और यहाँ पर ये जो आउटपुट है यहाँ पर हम ये एलईडी का ये जो है वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्राउन वाला है नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव देख के लगाएं, और यहाँ आप देख सकते हो हमारी एलईडी बहुत ग्लो कम कर रही है। अब जैसे ही हम इसको वेरी करेंगे तो हमारी जो लाइट है वो उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और कम होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो लाइट है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ आप देख सकते हो अब ये फुल हो गई। अब यहाँ पर हम इसको कम करेंगे तो ये कम होती जा रही है, और ये बिल्कुल डाउन हो गई, और यहाँ पर इसको ये आप देख सकते हो। तो हमारा ये जो सर्किट है ये यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे बना के मैंने आपको दिखा दिया है, सेम सर्किट है फ्रेंड्स। यहाँ पर मॉस्फेट यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ा वाला है, मैंने मेरे जो सर्किट बनाया था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने सर्किट बनाया था इसमें जो मॉस्फेट है मैंने एसएमडी वाला मॉस्फेट यूज़ में लिया है, और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो रेगुलेटर आईसी है वो भी मैंने एसएमडी वाली ली है, जिससे हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा छोटा हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने 5K का यहाँ पे यूज़ में लिया है, तो आप फ्रेंड्स 5K 10K या 1K कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, तीनों में फ्रेंड्स रिजल्ट सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने हीट सिंक लगा दिया है, तो हीट सिंक आप भी ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सी भी क्योरी हो इस सर्किट के लिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सर्किट है यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल टेस्टेड सर्किट है, आप बनाइए और आप इसको यूज़ कर सकते हो एलईडी ड्राइवर के लिए।